The civilized Indian. आपका एक एंकर है सुधीर चौधरी, ये इतना हिंदू मुसलमान करके देश के विरुद्ध और देश के संविधान के विरुद्ध बात क्यों कर रहा है? कुछ घंटों पहले एग्जिट पोल के आंकड़े तो उनको बहुत भारी बहुमत दे रहे थे, यहाँ तक कि कहा जा रहा था विपक्ष से पूछने की जरूरत भी क्या है, उनपे ध्यान देने की भी जरूरत क्या है, उनकी मजाक बनाई जा रही थी। ये एक पापी व्यक्ति है। एनडीए बीजेपी हेडक्वार्टर्स सवाल करिए। पहला सवाल, स्टॉक मार्केट के बड़े निवेशकों के कहने पर आपने एग्जिट पोल दिखाया क्या? लाखों लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जब आपने डी न्यूज़ छोड़कर इंडिया टीवी शुरू किया था तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने आपको पैसा दिलाया, इसलिए आपने एग्जिट पोल दिखाया। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली सरकार और उसके साथ स्वर में स्वर मिलाने वाली मीडिया दोनों ही खामोश है। 4 जून 2024 को लोकसभा के चुनाव परिणाम आ गए हैं और ये परिणाम भाजपा के बोल और गोदी मीडिया के बोल के बिल्कुल ही खिलाफ है। और सो कॉल्ड रणनीतिकार और सुगर कोटेड संघी ने तो अकेले ही भाजपा को 300 पार कर दिया था और एनडीए अलायंस को 350-400 के करीब बता रहे थे। सोच के बोल लीजिए। सो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं किस प्रकार मीडिया मेल्टडाउन हुआ है 2024 के चुनाव परिणाम के बाद। लेकिन उससे पहले अयोध्या राम नगरी में भाजपा को मिली हार, उसके बाद कैसे हिंदुत्ववादी छवि वाले लोग सोशल मीडिया पर अयोध्या के हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। हिंदुत्ववादी छवि वाले लोग कितना हिंदुओं के साथ सिंपैथी रखते हैं ये तो सबको मालूम है। हमारा 85 साल का घर है, अब देखिए मकान टूट रहा है हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने दे, इतना जनता नहीं बनवाए है कि इन सबको निकालेंगे। हम लोग कहां चले जाएंगे? जन बाहर मने दर्शन कर दो, यहां लोग कहां चले जाएंगे? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, अब वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। मंदिर तो बनने का हम लोग को नहीं कष्ट है, मंदिर बनवाए लेकिन खेती बाड़ी सब कुछ तो ले रहे, किसी में नहीं कमाए खाए, सब ले रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? न खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसमें खाए, किसमें जाए? हमारा पेट भरेगा नहीं भरेगा तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिसका मैंने मकान को तोड़ा है क्या उस लागत से जो पैसा दिया उस लागत से मकान जमीन मिल सकती है? आप भगवान का घर बना रहे हैं, उसके घर को उसके मकान में नहीं खुश होगा, किसी कोई मकान नहीं खुश होगा, तो लाख मंदिर बना दो, लाख मंदिर बना दो, लाख भगवान बना दो, लोग खुश नहीं होंगे, किसी गरीब के घर समझे? आप भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा। खैर, शुरू करते हैं हमारी वीडियो को, मीडिया मेल्टडाउन आफ्टर 2024 चुनाव परिणाम। अब आप अर्बन को ही, हमारे अर्नब को ही देख लीजिए। इस बार जो मैंने इलेक्शन कमीशन का डेटा देखा वहां पे 42 या 43% वोट शेयर लग रही थी। बीजेपी का वोट शेयर वहां पे 6-7% गिरा है, उसके साथ ऑपोजिशन यूनिटी वहां पे बढ़ी है, तो फाइनल नंबर्स देखने पड़ेंगे बहुत क्लोजली। हाँ, और वोट ट्रांसफर हो रहा है, और वोट ट्रांसफर हो रहा है, क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में भी नहीं है, क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में नहीं है, क्लीन स्वीप कर्नाटक में नहीं है, क्लीन स्वीप राजस्थान में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है, डेंट भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है मगर क्लीन स्वीप भी नहीं है। हो गया। एनडीए हाफ पे मार्क पार कर चुके हैं, एनडीए हैज क्रॉस हाफ पे मार्क दोस्तों, एनडीए हैज क्रॉस हाफ पे मार्क और एनडीए 350-370 के तरफ स्ट्रांगली बढ़त ले रही है। खैर, मजाक अपनी जगह है। अंजना जी, सरकार तो देखिए जनता बनाएगी, मैं और आप तो बनाएंगे नहीं, शाम तक सरकार हमें पूरी उम्मीद है हमारी बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी, एक बात। लेकिन आपके प्रतिष्ठित चैनल को जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, आपका एक एंकर है सुधीर चौधरी, ये इतना हिंदू मुसलमान करके देश के विरुद्ध और देश के संविधान के विरुद्ध बात क्यों कर रहा है, ये समझ से बाहर है। लगातार मैं देख रहा हूं इस रिपोर्टिंग को देखकर, एक वर्ग ऐसा है जो हमें गोदी मीडिया का नाम देना शुरू कर देगा। सबसे पहली प्रतिक्रिया अंजना जी ये होगी कि कुछ घंटों पहले एग्जिट पोल के आंकड़े तो उनको बहुत भारी बहुमत दे रहे थे, यहाँ तक कि कहा जा रहा था विपक्ष से पूछने की जरूरत भी क्या है, उनपे ध्यान देने की भी जरूरत क्या है, उनकी मजाक बनाई जा रही थी, मखौल बनाया जा रहा था। अब आंकड़े दिखा रहे हैं कि देश की जनता के पास विवेक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द कन्फेटी इज आउट ऑफ द कैन, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रीच्ड चांस ऑफ मोदी मोदी रिंग द एयर एट द बीजेपी हेडक्वार्टर्स। मोदी मोदी
मोदी। कौन है अंजना जी? है कौन? अच्छा ठीक, मुझे बताइए। उसी वही है जिन पर आपने ट्वीट ट्वीट किया था, वही है जिन पर ट्वीट किया था, वो अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये एग्जिट पोल किया है और उनका एग्जिट पोल है कई बार से मेरी बात क्यों करा रहे हो? सही भी निकला है, कर्नाटक में सही निकला था पवन जी। आते वापस पवन जी, देखिए ना एक बार तो कई बार देखिए मिस इन्फॉर्मेशन भी ऐसा फैलता है। मैं भी आजकल तो मैं जाती नहीं हूँ ट्वीट पढ़ने, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी आपकी जो ट्रोल आर्मी के आपको की कैसे भ्रमित कर देती है। मैंने यूट्यूबर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो बात कही थी वो कांग्रेस के लिए फैलाई जा रही है, तो अपनी मीडिया वाली टीम को बोल दीजिएगा सर ये जो आदत है। उस बात को मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब आप मेरी बात सुनिए। बोलिए। ये एक पापी व्यक्ति है, मैं इनकी बात सुनने नहीं बैठा हूँ, आपसे संवाद करने बैठा हूँ। आपका सर आंखों पर होगा जो सवाल आप पूछेंगे। पहला सवाल, स्टॉक मार्केट के बड़े निवेशकों के कहने पर आपने एग्जिट पोल दिखाया क्या? लाखों लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जब आपने जी न्यूज़ छोड़कर इंडिया टीवी शुरू किया था तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने आपको पैसा दिलाया, इसलिए आपने ऐसा एग्जिट पोल दिखाया? ऐसा सुना गया है कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री आपसे नाराज हो गए थे, तो स्वर्गीय अरुण जेटली के कहने पर मुंबई के बिजनेसमैन ने आपकी पीएम मोदी से सुलह कराई थी। ये सवाल है कई न्यूज चैनल और उनके मालिकों से, और ये सवाल हम इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा से पूछ रहे हैं। और क्या आपने अपने पति, ये हम न्यूज 24 की अनुराधा प्रसाद से सवाल पूछ रहे हैं, जो पहले सवाल थे तो इंडिया टीवी से हमने पूछे थे, और अब ये न्यूज 24 से कि क्या आपने अपने पति राजीव शुक्ला के कहने पर एग्जिट पोल चलाया? राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह सचिव, क्या बीसीसीआई वाली दोस्ती के दबाव की वजह से गलत एग्जिट पोल दिखाया गया? अब ये देखिए, अब आगे अगला सवाल है एबीपी न्यूज से। कुछ दिन पहले आपके संस्थान में एक संपादक को रखवाया गया जिन्हें आपने निकाल दिया था, क्या उनकी सलाह पर एग्जिट पोल चलाया? तो एबीपी के मालिक अधिदेश सरकार से जी न्यूज का ये सवाल है कि आपको विज्ञापन देने वालों को सिस्टम से विज्ञापन देने से मना कराया गया था, क्या उन विज्ञापन देने वालों को वापस लाने के लिए आपने ऐसा किया? लोगों को हुई लाखों करोड़ के नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? और अब आज तक के मालिक अरुणपुरी से ये सवाल है, अरुणपुरी से आज तक के मालिक अरुणपुरी से ये सवाल है, एग्जिट पोल का असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा क्या? एग्जिट पोल का असर देश की जनता पर पड़ेगा? ये एग्जिट पोल सच्चाई के आसपास भी नहीं है, ये आज तक के मालिक अरुणपुरी से ये सीधा सवाल है, जो लोगों के सेंटीमेंट और उनके साथ खेला गया शेयर मार्केट अचानक से एग्जिट पोल पर अचानक से बढ़ा, उसके बाद थ्री काउंटिंग वाले दिन वो सीधे गोता लगा था। बिल्कुल, और ऐसा माना जा रहा है कि एग्जिट पोल की वजह से लाखों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। क्या आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ अरुणपुरी को नहीं पता था पहला सवाल कि एग्जिट पोल का असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा, एग्जिट पोल का असर देश की जनता पर पड़ेगा ऐसा कहा जा रहा है, एग्जिट पोल सच्चाई के आसपास भी नहीं है? अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए। मेरे साथ वो इंटरव्यू रिविजिट कर रहा है नाउ बिकॉज महुआ हैज वन। एक मैं ऐसे ही सोच रहा था और आप लोग अपने विचार दीजिएगा, क्योंकि देखिए राजनीतिक रूप से कम मैं तो अपने आप को किशोरावस्था में पाता हूं, और प्रशांत महासागर से भी ज्यादा विशाल ज्ञान रखने वाले, देखिए मैं तो अपनी किशोरावस्था में हूं और प्रशांत महासागर जैसे ज्ञानी राजनीतिक मामलों के वो कहां होंगे यार? रणछोड़दास छांछड़ की तरह बादल आवारा हो गए हैं आज, कहां होंगे? मैं देखिए एक चीज है, मैं कभी पी के बात नहीं करता मेरा एक ही चीज है। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है।